मंगलम भगवान भीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र गुरु जयवंत प्रकाशन। जो एनुअल सुन रहे हैं उस एनुअल का अंतिम दिवस होना चाहिए। कुछ प्रसंग बताने से रह गए हैं, एक मिनट में उनको पूरा करता हूं। आज हमें ऐसी जानकारी मिली कि सोनगढ़ में बहन श्री चंपा बहन, ब्रह्मचारिणी बहनों आदि को बताया होगा तो बहन को भी खबर है, उन्होंने हमें बताया कि जो हमने पहले दिन आपको चर्चा की थी कि स्थानकवासी संप्रदाय में गुरुदेव का जन्म क्यों हुआ, तो असात्मक करके इधर आए थे, ये बात अपन ने बताई थी। लेकिन चंपा बहन श्री कहते थे कि केवल 10 मिनट की असात्मा थी, वह उसका फल 45 बरस हुआ इधर। 10 मिनट की असात्मा का फल यहां 45 बरस, ये मार्मिक बिंदु है। हमें हृदय में देवशास गुरु के प्रति कैसे असाधना हो जाती है और हम उसको हंसी में उड़ा देते हैं। जिनवाणी की असाधना कर देवे, गुरु की असाधना कर देवे, भगवंतों की असाधना कर देवे, भगवान को पीट करके खड़े हो जावे, बातें करने लगे, जिनवाणी पैरों में रख लेवे, अब जो अब सब समझ लेना। इस बात से अपने को समझने लायक है कि 10 मिनट की असाधना का इतना बड़ा फल है। और मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि कर्णान योग में फल बहुत जबरदस्त है। सीता जी ने जो थोड़ी सी विराधना की थी, सील की निंदा की थी मुनिराजों की, उसके फल में कितने बरस सीता जी को रामचंद्र जी ने त्याग दिया, गर्भवती दशा में त्याग दिया, जंगल में छोड़ दिया, फिर कहां जाके उनके पुत्रों का जन्म हुआ, कहां पालना हुआ, कहां पुत्र इतने बड़े हो गए कि युद्ध करने लायक हुए, तब जा करके लौटना हुआ। अभी सीता जी की कल्पना नहीं कर सकते, एक एक दिन सीता जी का कैसे बीतता होगा, दूसरे के घर में, दूसरों के रानियों के बीच में, अपना पति नहीं, माता पिता नहीं, भाई बहन नहीं, देवर नहीं, कोई नहीं, दूसरे के घर में एक एक दिन कैसे काटा होगा। मंदिर जाते होंगे तो कैसे लोग बोलते होंगे, इसका पति नहीं है, इसके पति ने छोड़ दिया है, जंगल में छोड़ दिया है, कैसा लगता होगा अपन कल्पना नहीं कर सके। अंजना ने थोड़े समय के लिए जिन प्रतिमा की असाधना की थी, जिसके लिए 22 बरस उसके पति ने मुंह नहीं देखा और फिर उसको सास ने निकाल दिया, हम कल्पना नहीं कर सकते कर्णानियों की कि हमारे कर्मों का बंधन कैसे होता होगा। इसलिए ये 10 मिनट की छोटी घटना बहुत हृदय स्पर्शी है, जिसको मैंने आपको बताया है। देश जावे तो जावे, लेकिन अपने निमित्त से जिन शासन की हानि नहीं होवे, ऐसा प्रयत्न हमें करना चाहिए। देश सास गुरु की आशातना नहीं होने पावे, इसकी अपने को सावधानी रखने जैसी है। एक पॉइंट तो ये था, और इसके बाद हम और चर्चा करें। उससे पहले कल हमसे गलती से 2 वर्ष छूट गए थे, 1934-1978 का है ना, 1934, इसमें हमने कुछ बातें तो बताई थी, पूरा नहीं बताया था, जल्दी से बता के आगे चलना है आज अपने को। 80वीं जन्म जयंती मुंबई में मनाई गई घाट कोपर में, और इस समय भी पंडाल जल गया था। दूसरे दिन फिर सर्वोदय हॉस्पिटल के हाल में 2 दिन प्रोग्राम हुआ, पीछे बाकी का जो प्रोग्राम बचा था वो वापस तंबू बना दिया गया था, वहां पर ये कार्यक्रम हुआ था। इसी बरस मद्रास के पंच कल्याणक हुए, जिसकी गुरुदेव कई बार प्रशंसा करते रहे, मद्रास के पंच कल्याणक की, वहां पर महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई 11 मार्च 1978 शनिवार के दिन। इसी समय गुरुदेव को कैंसर की बढ़ने लगी समस्या, तो अभी सोनगढ़ में और सभी जगह प्रीकॉशन स्पेशल रखे जाने लगे,
लोगों को प्रायः उनसे मिलने की आजादी नहीं थी इस तरह से जैसे कि सहजता से मिलते थे, तो 2 वर्ष तक काफी सावधानियों में रखा गया ताकि किसी को कोई प्रकार का इन्फेक्शन आदि नहीं होने पावे और किसी का इन्फेक्शन गुरुदेव को नहीं होने पावे। इसी समय लेकिन डॉक्टर को जब दिखाते थे तो डॉक्टर को चेहरा देख करके बॉडी देख करके ऐसा लगता ही नहीं था कि इनको कैंसर है। और ये बात हम स्वयं भी अंतिम बरस 1980 के जो नैरोबी पंचकल्याण की कैसेट देखते हैं हम प्रवचन की, तो हमें लगता ही नहीं है कि इस व्यक्ति को 13-14 बरस से कैंसर है। हम उनकी प्रसन्नता, उनके प्रवचन करने की स्टाइल, मैंने भा हमें इतना सा भी रत्ती भर का अंतर दिखाई नहीं देता है। और मैंने पहले भी एक दो बार कहा कि उनका उत्साह है प्रवचन करने का, जबकि मैंने बताया था दक्षिण अफ्रीका में भी, दक्षिण ही शायद नहीं, ईस्ट अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका नहीं, वहां पर गुरुदेव को प्रवचन करने का उत्साह है, भक्ति करने का उत्साह है ज्यों का त्यों। हम जैसे अब तो 90 वर्ष की उम्र में हिले नहीं। ये गुरुदेव श्री की अद्भुत बात थी। तो डॉक्टर ने जो चेकअप किया उसको भी बड़ा आश्चर्य लगे कि हमको तो लगता ही नहीं इनको देख करके इनको कोई प्रकार की कोई कमी है कि कैंसर है। और उस समय एक आश्चर्य था कि 14-15 वर्ष कोई आदमी कैंसर होते हुए इस तरह प्रफुल्लित रहे ना उसका जीवन, तो ये कोई अद्भुत आश्चर्य की बात थी। ये बिल पावर थी गुरुदेव श्री की। बिल पावर जरा अंग्रेजी में हल्का पड़ता है, ये तत्व ज्ञान और ज्ञाय की दृष्टि का जोड़ था जिसके बल पर गुरुदेव श्री दे छता जैनी दशा वर्त्या देहातीत, वर्ते नहीं कह रहा हूं वर्ता, जो देहातीत रहे हो मानो ऐसी दशा उनकी रही 1975-1979। इसके पहले एक घटना और भी घटी, बहन श्री की जन्म जयंती थी उस समय स्वाध्याय मंदिर में एक सोने से मंडा हुआ फोटो समर्पित किया गया, इसमें गुरुदेव श्री का ऐसा फोटो बनाया गया था समोसरण का कि भाभी तीर्थंकर होंगे, उसमें समोसरण है, गुरुदेव विराज रहे हैं और एक गड़धर वहां पर खड़े हुए हैं। तो गुरुदेव श्री को एक फोटो दिखाया गया तो गुरुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तुम इसमें एक गड़धर क्यों दिखाया, दो गड़धर क्यों नहीं दिखाए, ऐसे गुरुदेव को ऐसे प्रश्न हुआ। तो ऐसा बोले कि साहेब अभी तो बहन श्री की जन्म जयंती है ना, ये मुख्यता से हमने एक गड़धर को दिखाया है भाई, ये कहकर के वो फोटो को वहां विराजमान किया गया। तो गुरुदेव ने कहीं बात न थी, क्योंकि गुरुदेव एकदम भोले भाले एकदम सीधे साधे, जो बोलो तो ठीक है कहीं बात नहीं। बाद में लेकिन गुरुदेव श्री ने प्रवीण भाई बोरा के घर, जब ये बहुत बात बढ़ने लगी दोनों बहनों के मामले में, तो दोनों प्रवीण भाई बोरा के बंगला पे जब गुरुदेव पधारे तो वहां सभी को बुलाया, हिम्मत भाई, बजू भाई, अपना मुकुंद भाई खारा और काफी मोक्षु लोग आप में भी उपस्थित हैं जो लोग वहां पधारे। तब गुरुदेव श्री ने 4-5 बार बारंबार बोला कि मेरे जाने के बाद भी या मेरे सामने में भी आज के बाद दोनों बहनों में अंतर नहीं करना, मैं सबकी हाजिरी में कहता हूं कि दोनों बहन मेरे गड़धर होना है और मेरे को तीर्थंकर होना है, इसलिए कोई प्रकार की आसाधना आज के बाद होना नहीं चाहिए, ये स्पष्ट गुरुदेव ने कहा। बाकी 1975 संवत में 90वीं जन्म जयंती भी मुंबई में मनाई गई। इसी समय एक गुरुदेव श्री को स्वप्न आया, तिथि थी गुरुदेव की 28 अप्रैल 1979, शनिवार के दिन ये जयंती यहां पर मनाई गई, 8/1/79 अर्थात 8 जनवरी 1979 एक स्वप्न गुरुदेव श्री ने देखा था। एक लड़का सपने में आया और ऐसा बोले ज्ञायकमां बधुज समाज जाय छे, ऐसा सपना आया कि ज्ञायक में सब समा जाता है, ज्ञायक में सभी आ जाता है, पर का अकर्ता, राग का अकर्ता, सारे सिद्धांत आ जाते हैं। और गुरुदेव श्री ने फिर अगली दिन सुबह इस सभा में सुनाया। जन्म जयंती के अवसर पर परमागम पर हुए प्रवचन का प्रकाशन का निर्णय लिया गया, ये निर्णय लिया गया था और 80 में छपाए गए थे, मैंने बताया था कल जो। और इस समय गुरुदेव श्री अस्वस्थ रहने लगे सितंबर 1979 में। तो एक दिन गुरुदेव श्री ने ये बात बोली कि यदि एक डॉक्टर नियमित रखा जाए मेरे चेकअप के लिए, अब मेरे पीड़ा असह हो गई है, मेरे बहुत तकलीफ होती है, यदि कोई एक व्यक्ति एक डॉक्टर परमानेंट रखा जाए मेरी तपास के लिए चेकअप के लिए तो अच्छा होवे। लेकिन डॉक्टर चंदू भाई वगैरह थे तो वो देखभाल करते थे, तो बाकी इसी कोई ज्यादा आवश्यकता महसूस नहीं हुई।
अथवा तो आवश्यकता या उदय इतना नहीं था कि उस समय परमानेंट डॉक्टर की स्थापना या व्यवस्था हो सकती होती। इसके बाद अब हम सीधे सीधे आ रहे हैं 1980 में। इस समय क्या हुआ, थोड़ी बहुत जानकारियां हैं, जल्दी जल्दी बताता हूं। एक जानकारी और अभी मेरे याद आ गई जन्म जयंती के मामले में। हीरक जयंती जो यहां मनाई गई थी, ओ मैं ये बोल गया था गलती से, मेरी गलती थी उसमें कि एक दिन पहले जन्म जयंती हो गई थी, फिर दूसरे दिन लाल बहादुर शास्त्री जी पधारे थे। लेकिन अभी मैंने दोबारा रिकॉर्ड चेक किया और अपने कन्नू भाई जी ने भी मेरे याद दिलाया कि वो सेम तिथि थी, उसी दिन आ गए थे वो। तो जो मैंने पूरा वर्णन किया उसमें कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, उसमें केवल तिथि का अंतर पड़ेगा, उत्साह में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बस इतना थोड़ा हो गया कि फ्लाइट कैंसिल की, वापस आए, फिर गए, वो उतना, बाकी का पूरा प्रोग्राम ज्यों का त्यों समझ लेना चाहिए। एक डॉक्टर त्रिवेदी थे, उन्होंने 3 साल पहले प्रवीण भाई राजकोट को ये कहा था कि गुरुदेव श्री का प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा लेना चाहिए, है ना, ताकि कोई विलंब करने से अपने को भूल हो सकती है, गुरुदेव श्री को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आखिरी आखिरी में भी सबसे ज्यादा तकलीफ 1 महीना पहले गुरुदेव को अंतिम 6 महीना में सबसे ज्यादा तकलीफ पेशाब की हुई, जो डॉक्टर ने बोला था। लेकिन उस समय सबको ऐसा, गुरुदेव के ऑपरेशन के नाम से ही अपन डरते थे, इसलिए शिष्यों को ऐसा भाव आया कि दवाइयों से काम चल जावे तो अच्छा रहे। और होता भी क्या है, जो पुण्यशाली होते हैं ना उसकी सेवा करने वाले डॉक्टर बहुत होते हैं। अपने तो एक आध हो तो अपने तो एक के भरोसे रह जाओ, लेकिन जब बहुत सारे होते हैं तो परस्पर में विरुद्ध राय हो जाती है। एक डॉक्टर बोले कि नहीं दवाई से काम चल जाएगा, दूसरा बोले नहीं ऑपरेशन करा लो। इस ऊहापोह में गुरुदेव श्री का ऑपरेशन उस समय नहीं हो सका और ऑपरेशन नहीं हुआ। 3 साल पहले एक घटना घटी थी बॉम्बे में। इसी समय ब्रह्मचारी हेमंत गांधी, जिन्होंने गुरुदेव की सेवा करने के लिए अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी थी उस समय में, ये ब्रह्मचारी रहे, अभी भी इनकी प्रभावना प्रवचन आदि करते हैं और अंतिम समय तक गुरुदेव श्री की बढ़िया सेवा करने में इनका योगदान रहा, है ना। और ऐसे छोटे छोटे प्रसंग और भी बहुत हैं। प्रत्येक अभी इसके बाद 1937 की बात बताता हूं। 11 नवंबर 1980 को हेमंत गांधी सोनगढ़ में ही थे और उनके पास सोते थे गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव श्री को इतनी पीड़ा हुई, रात भर नींद नहीं लगी, तो कार्तिक सुदी चतुर्थी प्रातः 5 बजे हेमंत गांधी को जगाया और एक कहा कि डॉक्टर ने बुलाओ आपने आजेज मुंबई जाइए, पीड़ा घनी असह्य छे। डॉक्टर चंदू भाई ने ये बात सभा में बताई, मैंने जो एक हेमंत गांधी को कहा, तो चूंकि गुरुदेव श्री प्रवचन नहीं कर देते थे ना, तो सभा में आकर के वो बताते थे कि आज गुरुदेव का हाल कैसा है, क्योंकि हरेक तो मिलने नहीं जा सकता था ना, 1500 लोग गुरुदेव को मिलने जावे तो अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो प्रतिदिन सुबह सुबह डॉक्टर चंदू भाई सभा में ये जाहिरात करते थे, ये जाहिरात उन्होंने उस दिन की। इसके पहले मैं एक छोटी सी घटना बताना रह गई मेरे से। 91वीं जन्म जयंती के पूर्व 15 दिन पहले, जो 91वीं जन्म जयंती मनी, नैरोबी से आने के बाद गुरुदेव श्री को बैठते नहीं बनता था, प्रवचन करने के लिए पाटे पर बैठते नहीं बनता था, मैंने बैठने में जो पद्मासन लगा लेते थे वो नहीं बनता था, खड़े रहे तो शरीर धूझने लगता था। नैरोबी से आने के बाद और जन्म जयंती 91वीं मनने के 15 दिन पूर्व, तो उसी समय जो मनफूला सेठानी थी वो देखने आवे, उन्हें खबर पड़ी तो उन्होंने सोनगढ़ में बातों बातों में बहनों को बताया कि अभी गुरुदेव श्री 6 महीने से ज्यादा रहने वाले नहीं है, क्योंकि कैंसर का ये लक्षण है कि स्थिरता यदि शरीर की समाप्त हो जावे तो फिर 6 महीने से ज्यादा रहते नहीं है, है ना। इसके बाद कार्तिक सुदी पांचम 12 नवंबर 1980 मंगलवार के दिन नंदीश्वर दीप मंदिर का खात मुहूर्त हुआ गुरुदेव श्री के हाथों से, और उनको बेचैनी बहुत होने पर भी इंजेक्शन आदि देकर के पाट पर बिठा करके ऐसे लेकर के उस खात मुहूर्त के स्थान पर लाया गया गुरुदेव श्री को, लेकिन उनके चेहरे पर पीड़ा बहुत थी और बार बार
जिन लोगों ने बोलियां ली थी ओछामण हमारी ईट पर, क्या बोलते हैं ईट ब्रिक्स, इसके ऊपर आपके हाथ का स्वस्तिक हो जाए, आपके हाथ का स्वस्तिक हो जावे, तो कम से कम 10-15 ऐसी स्वस्तिक बनाए गुरुदेव ने। लेकिन घड़ी वेदना हुई तो वापस आवे, और उसी समय जो मैं बता रहा था आपको 11 तारीख को शांति भाई जबेरी को फोन कर दिया गया था कि गुरुदेव श्री को ऐसी आज तकलीफ है, डॉक्टर चंदू भाई ने फोन किया और पूरी व्यवस्था तुम कर ले, वो इधर गुरुदेव श्री को दिखाना है ऐसा बता करके, तो सारी व्यवस्था हो गई थी। लेकिन एक दिन जो खात्म मुहूर्त था उसके लिए रोका, और इसके बाद 13 नवंबर 1980 के दिन बुधवार के दिन गुरुदेव श्री को बॉम्बे लाने की व्यवस्था की गई, प्लेन के द्वारा गुरुदेव को यहां लाए। उस दिन पूरा दिन एक तरह से बताते हैं लोग वहां पर बहुत नीरस सा लगा उन्हें गुरुदेव के बिना बहुत ऐसे, और गुरुदेव श्री चलते समय भी मान स्तंभ के दर्शन किए, जिन मंदिर के दर्शन किए अंतिम समय, और कार में बैठते समय अनायास उनके मुख से निकला खबर न थी पछी आवश्य के नहीं, ऐसे ऐसे गुरुदेव के मुख से ऐसा निकला पछी आवश्य के नहीं, इतना बोल करके भगवान का दर्शन करके गुरुदेव श्री उसमें बैठ करके चल दिए थे। इस तरह गुरुदेव श्री यहां तक आ गए, है ना। अभी देखो, अभी तक प्रति समय कभी भी गुरुदेव श्री का विहार हुआ तो रामजी भाई बापूजी साथ चलते थे, लेकिन रामजी भाई बापूजी को इस बात का बहुत दुख रहा कि अंतिम समय में गुरुदेव श्री के साथ बॉम्बे तक नहीं आ पाए। अब कोई ऐसी बात हो गई, मैंने खबर ऐसा नहीं हो पाया उस समय कुछ, कि वे दूसरी कार में चले गए और वे वहां रह गए, बाद में वो प्लेन से आए। तो ये रामजी भाई को पूरे अंतिम अंतिम समय तक बहुत दुख रहा कि हम गुरुदेव श्री के अंतिम समय में हॉस्पिटल में संग नहीं रह पाए। अभी इधर जो लाए गुरुदेव श्री को बॉम्बे में, तो जसलोक हॉस्पिटल का नाम तो अब जसलोक कहते थे, जसलोक का नाम तो जसलोक है लेकिन सब उसको अब जसलोक कहते थे। तो किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ी कि अपन गुरुदेव श्री को इस जसलोक में ले जावे, क्योंकि जनरली ऐसा होता था कि जसलोक में जाने वाला फिर लौटता नहीं था, ऐसे उसका अबजस था, तो लाने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो गुरुदेव श्री को सबसे पहले हरिकिशन हॉस्पिटल में ले गए, हैं हरकिशन हॉस्पिटल में ले गए, और वहां पर गुरुदेव श्री को दो बार भर्ती किया, पहले 91वीं जन्म जयंती के पहले भी वहां भर्ती किया था 8 दिन, और फिर अंतिम इधर भर्ती किया, और अंतिम 2 दिन के लिए मेरे ख्याल से केवल अंतिम आठ दिन के लिए गुरुदेव को जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, क्योंकि हरकिशन हॉस्पिटल में डॉक्टर कामठ उसने चेकअप किया गुरुदेव श्री का, और वहां आकर वो पूरा चेकअप करने के बाद उसने कहा कि यदि आपको गुरुदेव श्री का सचेत अवस्था में देह की छोड़ने की बात होवे, हालांकि ये बात उस समय नहीं कही उसने, बस ये बोला कि इनका ऑपरेशन कंपलसरी है और इनको जो सुविधाएं जसलोक में है वो इधर नहीं है, ऐसा कह करके उनको गुरुदेव श्री को वहां से ट्रांसफर करके जसलोक हॉस्पिटल में लाया गया। वहां पर प्रॉपर चेकअप हुआ, गुरुदेव श्री का ऑपरेशन भी हो गया और अच्छे भी हो गए गुरुदेव श्री। अभी केवल गुरुदेव श्री को क्या कहना चाहिए, करते हैं ना छुट्टी देते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करने के एक दिन पहले ही गुरुदेव श्री को टाइफॉइड जर्म्स अर्थात हॉस्पिटल का इन्फेक्शन हो गया, और इस इन्फेक्शन के फलस्वरूप फिर गुरुदेव श्री का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं पड़ा, और बाद में अंतिम दिन एक पंचर टेस्ट कहलाता है, हड्डी में एक ड्रिलिंग टेस्ट 1:30 बजे के लगभग किया गया, और उस टेस्ट के बाद जो भी कुछ करना था चारों तरफ से जब निराशा हो गई तब इस प्रकार से ये अंतिम समय तक के इलाज की जानकारी है। इसकी हरकिशन हॉस्पिटल की भी एक जानकारी मेरे मिली है, जिस कमरे में गुरुदेव श्री का इलाज हुआ था हरकिशन हॉस्पिटल में के मैं ही क्यों ले जाया गया, क्योंकि यहाँ के एक ट्रस्टी हैं प्राणबाई गोड़ा, जो यहाँ के मोटे ट्रस्टी हैं, सैकड़ों संस्थाओं के ट्रस्टी हैं, इनकी वजह से इस संस्था में हॉस्पिटल में गुरुदेव श्री को पूरे प्रकार की जैसी सुविधा हम चाहते थे
कि हम अपना कमरा रख सकते हैं, अपना पानी रख सकते हैं, अपना बर्तन रख सकते हैं, अपना बिस्तर रख सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जनरली ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं कि आप अपना बर्तन रखो कि अपनी सारी सुविधा रखो। लेकिन यहां पर प्राण भाई के कहने से पूरी सुविधा बिल्कुल घर जैसी शुद्ध। कई लोगों को ऐसा लगता है कि गुरुदेव श्री हॉस्पिटल में रहे, मैं इसका जवाब हालांकि दूंगा अभी विस्तार से, पहले तो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, फिर हुआ क्या वो बाद में बताऊंगा। बाद में सभी लोगों को ऐसा भाव आया तो 31,000 या 51,000 रुपया दे करके जिस कमरे में गुरुदेव श्री का इलाज हुआ था हरकिशन हॉस्पिटल में, उसके ऊपर गुरुदेव का फोटो और उस कमरे का नाम गुरुदेव श्री के नाम पर स्मृति के रूप में, मेमोरियल के रूप में कर दिया गया। इस समय मैं देखता हूं, एक मिनट, पूरी जानकारी हमें इसको छूटे नहीं, जनरली सभी बातें बता दी हैं, छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन। अभी ये सुनने की बात है कि हजारों लोग उस समय जसलोक हॉस्पिटल में आते थे। इससे पहले गुरुदेव श्री का जो वार्ड था, वार्ड तो नहीं कहना चाहिए, एकदम प्राइवेट रूम की व्यवस्था, उसमें भी कोई गुरुदेव श्री दो कमरे के बाद तीसरे कमरे में रहते थे। कोई भी गुरुदेव को शोर ना होवे, क्या वॉइस पॉल्यूशन नहीं होवे, आवाज का कोई डिस्टरबेंस नहीं होवे, किसी का आवागमन नहीं होवे, इस प्रकार से दो कमरा पहले से चेक लगा दिया गया था। अभी लोगों को गुरुदेव श्री को देखने का बहुत भाव होता था। अभी होवे क्या कि वो जो लोग आवे तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो तकलीफ होवे। तो ऐसी व्यवस्था की गई कि वहां पर सब में माइक लगा दिए गए, स्पीकर लगा दिए गए, और नर्स हर घंटे से गुरुदेव श्री की रिपोर्ट दे भी कि इस समय गुरुदेव श्री आराम कर रहे हैं, अभी उनकी बराबर है, बराबर है, और अभी उन्होंने रस लिया है, अभी उन्होंने दवा ली है, कोई चिंता मत करो, हम आपके गुरुदेव का पूरा ख्याल रखते हैं, अभी बिल्कुल निगरानी बराबर है, मतलब वो अनाउंस करे। लेकिन वो नर्स गुरुदेव श्री के कमरे में नहीं जा सके, उसको रिपोर्ट लिखी हुई मिले वो अनाउंस करते थे, वो सब सुनते थे। ऐसे ही पूरा इलाज हुआ। जो लोगों ने ऐसा प्रश्न आज सुबह भी मेरे पास आया था, वैसे वो मेरे पास पहले ही जानकारी में है कि पूरे हिंदुस्तान में ये प्रश्न लगभग सभी जगह गूंजता है कि गुरुदेव श्री जसलोक से परलोक गए। इसका जवाब हम थोड़ा देना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि गुरुदेव श्री के चाहने वाले एक भगत नहीं थे, लाखों भक्त थे जो उन पर करोड़ों रुपए निछावर कर सकें। क्या ऐसे गुरुदेव श्री को हमने जनरल वार्ड में भर्ती किया होगा जहां उन्हें हरिजन का पानी पीना पड़े? थोड़ा दिमाग में सोचना, क्या गुरुदेव श्री को वो बिस्तर यूज करना पड़ा? हमने पूरी व्यवस्था अपनी जुटाई थी, शुद्ध बर्तन घर से, शांति भाई जबेरी आदि के घर से बिल्कुल उबला हुआ प्रासुक जल, रस प्रासुक किया हुआ ये जाता था बिल्कुल। माने गुरुदेव श्री ने एक बूंद पानी भी हॉस्पिटल की नहीं ली कभी। जो भी दवाएं दी गई तो डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस, अमेरिका के चार डॉक्टर आवे नहीं, वो सब चेकअप करें, कॉन्फ्रेंस करें, और फिर जो शुद्ध दवाई होवे वो दवाई देते थे। गुरुदेव श्री को 3-4 दिन पहले से आभास हो गया कि अभी मेरे बचवानी स्थिति न थी दिखती, अभी मेरे बचने की कोई स्थिति नहीं दिखती है। तो 3 दिन पहले शांता बेन को खबर पड़ गई वहां पर, तो शांता बेन और रमा बेन दोनों जने विदाउट रिजर्वेशन और रेलगाड़ी में बैठ करके रात को चल दिए, और दोनों बहन किसी तरह से इधर आए बिना रिजर्वेशन, और 3 दिन तक कंटिन्यू गुरुदेव श्री की सेवा में हाजिर रहे। मिलने आए, देखे तो गुरुदेव श्री ने साफ साफ बोल दिया, अभी मेरे संथारा का भाव है, अभी ये मेरे रस मत दो, ये मेरे जूस उतरता नहीं है, मेरे गले से नीचे नहीं उतरता है, ये तुम्हें मत पिलाओ। लेकिन गुरुदेव श्री का पूरा भाव संथारा, संथारा माने संलेखना, गुरुदेव श्री की पूरी भावना समाधि मरण करने की थी। लेकिन यहीं पर एक दुखद बात है जिसके कारण हमारे गुरुदेव को बदनामी उठानी पड़ी कि हमारा राग, हमारी कमजोरी, हमारी गलती, हमारी राग है जिसके चक्कर में हमें ऐसा लगता था कि गुरुदेव श्री को कैसे हम यहां से ले जावे बिना इलाज किए, और कैसे भूखा प्यासा देखें।
ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए हम गुरुदेव श्री को ये कहते रहे, नहीं डॉक्टर की रिपोर्ट सारी छह, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, अभी अच्छा हो जाएगा, बस थोड़ा सा रस ले लो। तो ऐसे कर करके दो दो चम्मच रस दे भी और वो भी गुरुदेव को बमन हो जावे, हो भी नहीं कुछ। गुरुदेव बोले, भाई अभी मेरे बहुत पीड़ा होती है, आंखों में से आंसू आ जावे, तुम मेरे अब रस मत पिलाओ, अभी मेरे कुछ मत देवो, अभी मेरे घर ले चलो। लेकिन मैंने क्या कहा, आपकी ऊपर भी यदि ये बीते कि आपके पिताजी हॉस्पिटल में हो गए और वे बोले मेरे घर ले चलो, मेरे घर पर देह छोड़नी है, तो आप क्या करोगे? आप भी यही सोचोगे समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये पैसा का कंजूसी करी होगी और अपने पिताजी को घर ले आए, है ना? तो पिता चाहे और पुत्र भी चाहे तो अभी समाज की मर्यादाओं का ख्याल करके एक पुत्र की यह ताकत नहीं कि अपने बीमार पिता को, मरणासन्न पिता को घर ले आवे। और यही कमजोरी हमसे हुई, हम भावुक थे उस समय, हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, हमारे गुरुदेव श्री सर्वस्व थे हमारे लिए, हमें तो ऐसा लगता था कि अपने प्राण भी दे सके तो दे दे भी, न्योछावर करने की ताकत। लेकिन ये ताकत कौन फैसला करे कि गुरुदेव श्री को वापस ले जाओ, क्योंकि उस समय कई सैकड़ों डॉक्टर, कई लोग, कोई बोले नहीं इलाज बराबर कराओ और कराओ और डॉक्टर को चेकअप कराओ और चेकअप करा लो और दवाई देख लो और अच्छा डॉक्टर बॉम्बे से बुला लो, अमेरिका से बुला लो। तो 100 प्रकार की सलाह में फैसला करने वाला सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, और जो फैसला लेवे उसको 99 की बुराई सुननी पड़े। ऐसे समय में गुरुदेव श्री की जो भावना थी वो दब गई, और हम लोगों की अज्ञानता और भावुकता ने ये नहीं सोचा कि यदि ऐसा होगा तो फिर गुरुदेव की प्रसिद्धि का क्या होगा। केवल मैं फिर कहता हूं, मन वचन काय से गुरुदेव की पूरी तैयारी संथारा की, लेकिन हमारी छोटी सी नादानी से आज हमें जो कुछ भी गुरुदेव के बारे में सुनना पड़ता है उसका सारा कलंक मैं अपने सिर लेता हूं, हम अपने सिर लेते हैं। इसमें गुरुदेव श्री का कोई दोष नहीं था, क्योंकि जैन शासन में फल अभिप्राय का होता है, परिणति का नहीं होता, देह की क्रिया का नहीं होता है। उनके मन वचन काय की अंतर की सावधानी पूरी थी। ब्रह्मचारी हरि भाई, ब्रह्मचारी हेमंत गांधी, डॉक्टर ब्रह्मचारी चंदू भाई वगैरह, ये सभी लोग गुरुदेव श्री को अंतिम समय तक पाठ सुनाते थे। 47 शक्ति का पाठ जो हिंदी ट्रांसलेशन किया था ब्रह्मचारी चंदू भाई जी ने, किसने 47 शक्तियों का जो छंद बनाया, दोहा बनाया, वो 47 का सुना भी, ले जाए छेदाए के भेदाए के ले जाए बने, जो ऐसी ऐसी वो गाथाएं जो सारी, वो सब गुरुदेव को सुनाते थे, गुरुदेव को बार बार ज्ञाय की बात बताते थे। और अंतिम समय में ऐसे हाथ में, ब्रह्मचारी चंदू भाई और हेमंत गांधी ऐसे हाथ में हाथ लिए गुरुदेव को पूरे होश में सावधानी पूर्वक सुनाते सुनाते 7:05 पर गुरुदेव श्री का देह विलय हो गए। और तब बाहर सारी हजारों पब्लिक बैठी थी बाहर, तब लालू भाई मोदी ने यह घोषणा की कि अभी 7:05 पर पंचम काल ने कदम रख दिया है। ये कहने की तो ताकत ही नहीं कि गुरुदेव श्री का कुछ हो गया, 7:05 पर पंचम काल ने अपना पांव जमा दिया है। इतने में तो पूरे हॉस्पिटल में क्या हो सके उसकी तो अभी कल्पना भी करना, मैंने क्या हो सकता है वो अपन समझ सकते हैं। ने सभी तरफ रोना शुरू हो गया, घबराहट हो गई, बहुत दुख भी हुआ। जिन लोगों को उम्मीद थी कि अभी आज गुरुदेव का अंतिम है, ऐसा जिनको लगता था, उन्होंने पहले से ही बहनों को भेजने की व्यवस्था करी सोनगढ़, या नेमीचंद जी पाटनी वगैरह, सभी लोगों ने ये भावना रखी कि कैसे भी गुरुदेव श्री को सुबह तक अपने को ले चलना है, पहुंचाना है सोनगढ़। 7:30 के लगभग गुरुदेव श्री को इनके यहां शांति भाई जबेरी जी के नीलांबर में लेकर आए, रात भर सभी उनका दर्शन करते रहे। अभी भावना तो बहुत थी कि जल्दी से जल्दी पहुंचा भी, लेकिन व्यवस्था हवाई जहाज में उनको ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि हम उनको पद्मासन में ले गए थे, लिटाकर नहीं ले गए थे, पद्मासन ले गए, तो पद्मासन तो उसमें ले जा नहीं सके, तो इसलिए एम्बुलेंस ली ताकि रास्ते में कोई बाधा नहीं होवे कि क्या हो रहा है। आगे आगे नेमीचंद जी पाटनी जी की गाड़ी चलती थी, जिसमें इतना रुपया रख के चले थे कि किसी भी कीमत पर कोई हमको रोके नहीं, चाहे कितना ही पैसा देना पड़े, लेकिन एक मिनट का भी ब्रेक नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी कीमत पर गुरुदेव श्री को सुबह तक हमको पहुंचाना है। अभी जैसे समय समाचार मिल गया पूरे देश को
तो जगह जगह लोग इकट्ठा होने लगे। तो यहां से सोनगढ़ तक जाते जाते सूरत और बड़ोदरा और जगह जगह पालेज सोनगढ़ भी वो उमराड़ा भी ले गए, वह आसपास के जितने स्थान हो सकते थे वो सबको ले जाते जगह जगह आधी रात को लोग, माने जगह जगह जहां जहां जैसे जैसे समय था, आधी रात माने जहां जहां जैसा समय था, लोग सैकड़ों हजारों की तादाद में भीड़ लगा के और सबको ऐसा लगे कि गुरुदेव का दर्शन करें। तो उससे भी बचना था, टाइम भी जल्दी निकालना था, पहुंचाना भी था। ऐसे गुरुदेव श्री को ले जाते हुए करीब 18-20 कार गुरुदेव श्री के पीछे पीछे, उसी में एक कार थी भानुबेन और प्रकाश भाई, इनकी कार का एक्सीडेंट सूरत के लगभग आसपास कहीं हो भी गया और दो जनों का उसमें देह विलय भी हो गया। ये लोगों की एक ही भावना थी, अर्पण था, इतना पैसा लेकर गए थे कि हम गुरुदेव श्री के लिए अभी जो कुछ भी करना पड़े तो कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से एक घटना ये बीच में घट गई और आखिरकार ये सब लोग सोनगढ़ पहुंच गए। गुरुदेव श्री का जिस तरह से नाथूलाल जी शास्त्री इंदौर वाले इनके हाथों से मतलब इनके द्वारा गुरुदेव श्री का अंतिम दाह संस्कार कराया गया। मैंने ये भी अभी अपनी ओर से कहें या गुरुदेव श्री की प्रताप की तरफ से कहें तो देश का सर्वोत्कृष्ट प्रतिष्ठाचार्य उस समय गुरुदेव श्री के अंतिम दाह संस्कार कराने में आए। दाह संस्कार का काम, जो अंतिम अग्नि देने का काम था, सभी लोगों ने फैसला किया कि रामजी भाई बापू जी ये उनके पुत्र जैसे हैं, इनने बहुत जीवन दिया है तो इनके हाथों कराना चाहिए। लेकिन रामजी भाई बापू जी ने डॉक्टर चंदू भाई जी को आगे किया और उनके हाथों से एक काम संपन्न कराया। एक दो प्रसंग इसमें याद आते हैं। जब गुरुदेव श्री यहां भर्ती थे हॉस्पिटल में, तभी कोई व्यक्ति लगभग 15-20 हजार रुपया गुरुदेव श्री के चरणों में छोड़कर के आपो आप चला गया बेड पर। तब गुरुदेव स्वस्थ हो गए थे लगभग, तो इसलिए गुरुदेव को हर्ष भी था, अभी गुरुदेव तो पैसा छूबे ही नहीं। तो गुरुदेव श्री ने डॉक्टर चंदू भाई को बोला कि ये सब पैसा नर्स को, तुम्हारा जो डॉक्टर है, कंपाउंडर है, सबको बांट दो। और जो सर्जन था उसको गुरुदेव बोले इसको भी 1000 रुपया दे दो। तो अभी डॉक्टर चंदू भाई बोले साहेब ये तो पूरा हॉस्पिटल का बहुत बड़ा डॉक्टर है, इसको तो 50000 रुपया रोज की आमदनी है, अपना 1000 रुपया से इसको क्या होवे। तो गुरुदेव को ऐसा लगे कि किसी का भी अपने को ऑब्लिगेशन रहना नहीं चाहिए, सबको खुश रखो, सबको दे दो, ऐसा रहता था। अभी डॉक्टर चंदू भाई को भी उनको ऐसा लगे कि मैं तुमको क्या दूं, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुमको क्या दूं। तो अभी डॉक्टर साहब को कुछ नहीं दिया, बोले लेकिन मैं तुमको दूंगा समय आने पर दूंगा। तो डॉक्टर इसके बाद तो फिर देश छूटी गई। तो डॉक्टर चंदू भाई हमको स्वयं सुनाते थे कि गुरुदेव श्री के जो वचन थे अंतिम कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा, ये मेरे महापुण्य का उदय और गुरुदेव श्री की भावना का फल था कि सारी समाज ने यह फैसला किया कि रामजी भाई बापू जी अंतिम देवें, लेकिन उनका भाव ऐसा आया कि मैं देऊं, तो मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूं। हालांकि ये सब बातें तो प्रसंग हैं, अभी चर्चाएं बहुत हो सकती हैं जिनकी मैं अब और ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे अंतिम दृश्य दिखा रहा हूं बस। जब गुरुदेव श्री का अपनी भाषा में संथारा हुआ है ना, उसकी चर्चा अपन करते हैं। आप क्या कहें, ये दृश्य कहने की ताकत ज्यादा नहीं है। गुरुदेव श्री जिस कक्ष में थे, डॉक्टरों का प्रतिबंध हो गया था कि कोई इनसे मिल नहीं सकते हैं विशेष, परंतु बीच बीच में गुरुदेव श्री को याद भी आती थी, राम जी भाई नहीं आए, बाबू भाई जी नहीं आए, डॉक्टर भारिल साहब नहीं आए क्या। तो इतने में संतोष करना पड़ता था कि साहेब सभी ओसरी में नीचे है, डॉक्टर का प्रतिबंध होने से नहीं आ सकते। अब इस बात को सुनना सरल है, लेकिन इसके पीछे जो भाव हो सकता है वो अपन समझ सकते हैं कि अभी हमको हमारे लाखों शिष्य हैं जिनको हमने 90 बरस की उम्र में कईयों बार देखा है, पढ़ा है, पढ़ाया है, उनको समझाया है, बहुत कुछ किया है,
अपने मन की कुछ बात कहने का भाव हो सकता है, सुनने का भाव हो सकता है, कुछ अंतिम बात अंतिम शिखामण देने का भाव हो सकता है, परंतु गुरुदेव श्री ना मिल सके। एक कांच का पर्दा लगा हुआ था, उसके कांच के छेद में से उस जो आदि उसको देख के जावे। इधर देखने वालों को दर्द होवे कि हम अब गुरुदेव श्री को कभी देख ना सकें, प्रत्यक्ष बोल ना सकें, चरण स्पर्श ना कर सकें। एक तरफ से ऐसी वेदना थी देखने वालों को, जो लाइन में आ रहे थे एक एक करके देख देख के जा रहे थे, सबकी आंखों में आंसू ने। इधर गुरुदेव श्री ऐसे बैठे हुए, अभी अच्छा नहीं लगता कहने में, अंतिम स्थिति चलती हो, असहाय दशा हो, शरीर में असाता हो, सामने कोई से बोल सके नहीं, बातचीत कर सके नहीं, कोई को सुन सके नहीं, मिल सके नहीं, और ऐसे समय में वे समाधि की भावना भा रहे हैं। मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। आप जो चित्रांत दिया है अभी मैंने, जो वो रूप देखना, हॉस्पिटल में गुरुदेव श्री पलंग पर हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, अंतर्मुखी दृष्टि है, आंख नासाग्र है, बैठे हुए हैं, चिंतन में मग्न है, उदासीनता है, वैराग की दशा है। परम पंच परमेष्टि का ध्यान धर, परम ब्रह्म का रूप आया नजर। पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए हमें परम ब्रह्म शुद्धात्मा का रूप नजर आने लगा है, ऐसा गुरुदेव श्री का चिंतन चल रहा है। लगन लगन आत्मा राम की लग गई, महामोह निद्रा मेरी भग गई। मुझे ब्रह्म चर्चा से मिलता हुलास, नहीं और चर्चा करो मेरे पास। जो भावे तुम्हें वो न भावे मुझे, न झगड़ा जगत का सुहावे मुझे। परम ब्रह्म है लख लिया आज मैंने, परम ब्रह्म अमृत पिया आज मैंने। संभाले हैं तीनों रतन आज मैंने, परम ब्रह्म अमृत पिया आज मैंने। संभाले हैं तीनों यही रत्न मैंने, लिया ब्रह्म अपने को खुद चीन मैंने। चीन का मतलब है मैंने अपने को परम ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट शुद्धात्मा पहचान लिया है। जिसे मौत है उसको हो मुझको क्या, जिसे मौत है उसको हो मुझको क्या। मुझे भय नहीं, मुझे भय नहीं मौत का मुझको क्या। मेरा नाम तो जीव हूँ, मेरा नाम तो जीव है, जीव हूँ मैं। चिर स्थिर अनादि अनंत, चिर स्थिर बचिर काल, चिरंजीव हूँ मैं। चिदानंद चैतन चिद्रूप हूँ मैं, स्वयं सिद्ध भगवान शिव रूप हूँ मैं। चिदानंद चैतन चिद्रूप हूँ मैं,
स्वयं सिद्ध भगवान शिव रूप हूँ मैं, हिये में विराजे हृदय में, हृदय में विराजे परम सौख्य शांति, शिवपुर में होवे सदा मेरी कांति, चिता में धरो इसको ले जाके अब तुम, क्षमा ले के तुमसे विदा होते हैं, क्षमा ले के तुमसे विदा होते हैं हम। और इस तरह गुरुदेव श्री की अंतिम विदाई हमसे हो गई, परंतु गुरुदेव श्री तो अजर अमर हैं। इस देह का नाम गुरुदेव श्री ना था और ना कभी होगा, गुरुदेव श्री तो अजर अमर हैं, हम सबके हृदय में अमर हैं और आने वाली इस नवीन पीढ़ी के हृदय में भी अमर रहेंगे। गुरुदेव श्री की स्मृति में बैंसरी चंपा बैन श्री ने एक गीत लिखा है, वो बिरह गीत हम सुनाते हैं आपको। मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है, गुजराती आप पढ़ सकते हैं, अध्यात्म सृष्टा वगैरह जो है उसमें है, उसे आप गुजराती में पढ़ सकते हैं, मैंने इसका हिंदी किया है। हे चंदा, उसमें आपको चांदड़िया है ना, हे चंदा, हे चंदा संदेशा देना गुरुदेव को, क्योंकि बैंसी तो फिर कभी गुरुदेव श्री को देख ही नहीं सके, इधर आ ही नहीं पाए थे ना, उनका स्वास्थ्य बहुत कमजोर था इसलिए वो वहीं थे, लेकिन स्वाध्याय वो ब्रह्मचर्य आश्रम की छत पर खड़े खड़े आकाश में निहारते हुए मानो ये बिरह गीत गा रहे थे, ये लिख रहे थे। हे चंदा संदेशा देना गुरुदेव को, बस रहे हैं स्वर्गपुरी के धाम जो, वैमानिक में मेरे गुरु जी विराजते, इंद्र सरीखे सोभी रहा वह देव जो, ये गुरुदेव श्री का परिचय दिया कि हे चंदा तुम स्वर्गपुरी में जाकर हमारे गुरुदेव श्री को ये संदेशा देना, विदेह में स्वर्ग से गुरु जी पधारते, क्या संदेशा देना चंदा कि जैसे विदेश क्षेत्र में गुरुदेव पधारते होंगे समोसरण में, सीमंधर दर्शन से तृप्त अपार जो, वैमानिक परिषद में गुरुवर बैठते, दिव्य ध्वनि झेले बहे अमृत धार जो, ए चंदा संदेशा देना गुरुदेव को। स्वर्णपुरी का धाम यह सुना हुआ, भरत क्षेत्र को
छोड़ेगा चले गए आप जो तुझ भी रह में भक्त हृदय यहाँ रो रहे जैसे बिलखता मात भी होना बाल जो जैसे कोई छोटा सा बालक हो और उसकी माता गुजर जावे तो माता का बालक बिलक बिलक के रोवे ऐसे आपकी विरह में ये भक्त हृदय यहाँ रो रहे हैं। जैसे बिलखता मात भी होना बाल जो ए चंदा संदेशा देना गुरुदेव को विदेह क्षेत्र में गुरुजी जैसे पधारते वैसे पधारो स्वर्णपुरी के मंझार जो भक्त तुम्हारे दरस को यहाँ तरसते दर्शन दो बाणी बरसावो नाथ जो हे चंदा संदेशा देना गुरुदेव को तुझ चरणों में विमान वासी दिव्य सिमंदर देव है अनेक कार्य में समर्थ हैं गुरुदेव जो गुरुदेव को कहना कि आपके पास तो बहुत सामर्थ्य है आप तो बहुत शक्तिशाली हो अनेक कार्य करने में समर्थ हो तो फिर आशा पूर्ण करो ना गुरुजी दास की स्वर्णपुरी में कराबो जय जय कार जो हे चंदा संदेशा देना गुरुदेव को हे गुरुदेव आप तो शक्तिशाली हो गए हो आपको तो रिद्धियां हैं आप यहां पधारकर एक बार दर्शन दे दो एक बार जय जयकार करा दे वो आत्मा का अमृत एक बार बरसा दे वो ऐसा कहो गुरुदेव को जाकर के एक अद्वितीय रतन गुरु जी हो तुम्ही आप अद्वितीय रतन हो आप जैसा कोई दूसरा नहीं है अंतर उछल्या श्रुत सागर का पूर जो सोनगढ़ में क्या हुआ यहाँ नित गुरु मुख से अमी बरसा हुई हे गुरुदेव श्री आपके रहने से यहाँ पर निरंतर अमृत की वर्षा हुई है पंचम काल में पराक्रमी सुर वीर जो हे चंदा संदेशा देना गुरुदेव को गुणमूर्ति हे गुरुदेव श्री आप तो गुणमूर्ति हो गुणमूर्ति अद्भुत श्रुत धर गुरु देव हो चिंतामणि सम
चिंतत फल दातार जो मंगलमय शीतल तेरी छाया रे सत्य धर्म को बीजारोपण नाथ जो गुरुदेव श्री आपने तो इस पंचम काल में सत्य धर्म का बीजारोपण कर दिया है। एस चंदा संदेशा दे जो गुरुदेव को गुरु जी तेरा पढ़िया भी रहे बस में घना आपके विरह के बस मेरे को घना दुख हो रहा है। तारण हार हुआ नैनों से दूर जो जैसे कोई अमावस की रात हो और समुद्र में नाव का खिबैया अचानक हमें छोड़ के चला जाए तो हमें कैसा लगे। तारण हार हुआ नैनों से दूर जो हमसे बक को छोड़ गुरु जी चलिया गया अंतर में तो नित्य बिराजो ना आप जो हे चंदा संदेशा देना गुरुदेव को तुझ चरणों में मेरा मन लागा रहे अंतर में लाग्या जो रंग मजीठ जो ये नई पीढ़ी तो इस अर्थ को समझ ही नहीं सके। जैसे मजीठ के द्वारा लगाया रंग गया कपड़े से कभी छूटे नहीं ऐसे आपके प्रति हमारे चित्त में ऐसा रंग लगा रहे शुद्धात्मा का तुझ चरणों में मेरा मन लागा रहे अंतर में लाग्या जा रंग मजीठ जो तुम दर्शन की सेवक को नित झंखना श्रवण करावो चिदरश झरता नाद जो हे चंदा संदेशा देना गुरुदेव को भव भव में हो तेरे चरण की सेवना अनंत उपकारी भाभी भगवंत जो शुद्धात्मा की शरण में साधु साधना नित्य रहूंगा आप गुरु के साथ जो नित्य रहूंगा देव गुरु के साथ जो हे गुरुदेव श्री जब आप सिद्धालय में विराजमान रहोगे तब हम भी नित्य आपके साथ सिद्धालय में रहेंगे।
ऐसा संदेशा गुरुदेव श्री को दे देना कि हम भी शुद्धात्मा की साधना करते करते सिद्धालय में आपके नजदीक होकर के रहेंगे। हे चंदा संदेशा देना गुरुदेव को, बस रहे हैं स्वर्गपुरी के धाम जो। हे चंदा संदेशा देना गुरुदेव को। यह थी बेंसरी की श्रद्धांजलि। मैं नहीं समझता हूं कि इससे भिन्न हम में से किसी की भी श्रद्धांजलि हो सकती है, इससे ज्यादा इससे कम कोई की श्रद्धांजलि हो नहीं सकती। फिर भी एक गीत मैं और सुनाता हूं, आकुलता तो नहीं हुई ना। गुरुदेव की याद सताती है मेरी अखियां भर भर आती हैं, गुरुदेव का विरह सताता है मेरी अखियां झर झर बहती हैं। तुम कहां गए गुरुवर मेरे, यह कमी आज भी खलती है मेरी अखियां भर भर आती हैं, गुरुदेव की याद सताती है मेरी अखियां भर भर आती हैं। जब स्वर्णपुरी में रहते थे अध्यात्म अमृत बरसाते थे, परमागम मंदिर की वो मोटी सभा बड़ी सभा, वह सभा आंख में झूलती है मेरी अखियां भर भर आती हैं, गुरुदेव की याद सताती है मेरी अखियां भर भर आती हैं। ध्रुव दृष्टि सदा दर्शाते थे, आपकी एक एक प्रवचन में आपकी एक एक शब्द में वाणी में मुक्ति सा आनंद देते थे, वो बात कहां अब मिलती है मेरी अखियां भर भर आती हैं, गुरुदेव की याद सताती है मेरी अखियां भर भर आती है। क्या बताया था गुरुदेव श्री ने, हे द्रव्य सदा आनंदमयी। कैसा है द्रव्य? हे द्रव्य गुणों में तनमयी। और पर्याय में क्या है? जिसको इसकी स्वीकृति हो, स्वीकृति में सदा सरस्वती है। द्रव्य गुण पर्याय, स्वीकृति में सदा सरस्वती है। पर्याय में सरस्वती है, पर्याय है ना स्त्रीलिंग, पर्याय सरस्वती है, शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है।
आनंद हो जाता है। ऐसी स्वीकृति की द्रव्य और गुण ऐसी स्वीकृति, स्वीकृति में सदा सरसती है, मेरी अखियां भर भर आती है। गुरुदेव की याद सताती है, मेरी अखियां भर भर आती है। सब भूले भगवन बतलाया, साधर्मी प्रेम भी सिखलाया। एक गुरुदेव श्री ने महापापी ठेठ विरोधियों को भी भावी भगवान भूलेला भगवान बताया। और ऐसे में जब गुरुदेव श्री के शिष्यों में ग्रुपिंग होती है और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर शंका करता है कि तुम गुरुदेव श्री के सच्चे भगत नहीं हो, जब कोई हम पर शंका करता है या हम किसी पर शंका करते हैं, संकित शंका भरी दृष्टि, संकित दृष्टि जब उठती है, मेरी अखियां भर भर आती हैं। गुरुदेव की याद सताती है, मेरी अखियां भर भर आती हैं। जिन गुरुदेव श्री ने त्रिकाली भगवान आत्मा की पर्याय को गिना नहीं, सम्यक दर्शन की पर्याय को गिना नहीं, और आज हम एक दूसरे से इसलिए प्रेम करते हैं या नफरत करते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है और इसका सम्यक दर्शन नहीं है, और ये मिथ्या दृष्टि है और इसका सम्यक दर्शन बमी गया, धिक्कार है हमारी ऐसी पामर दृष्टि को। और मैं तो कहता हूं आज ही गुरुदेव श्री को श्रद्धांजलि में ये दृष्टि छोड़ दो, आज के बाद हम किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे। हम गुरुदेव श्री को यही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि हम सबको ध्रुव गायक भगवान ही देखेंगे, इससे सुंदर दूसरी कोई श्रद्धांजलि हो नहीं सकती। तुम कहां गए गुरुवर मेरे, एक कमी आज भी खलती है, मेरी अखियां भर भर आती है। गुरुदेव की याद सताती है, मेरी अखियां भर भर आती है। गुरुदेव का विरह सताता है, मेरी अखियां भर झरझर बहती है। गुरुदेव की याद सताती है, जो लोग जैन दर्शन को नहीं समझते उनकी नजरों में गुरुदेव का समाधि मरण कुछ भी लगता हो, परंतु जो जैन दर्शन को समझते हैं वे जानते हैं कि समाधि मरण बहिरंग द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन नहीं है, वह आत्मा के स्वय क्षेत्र असंख्यात प्रदेशों के अधीन है, स्वय काल के अधीन है, स्वभाव के अधीन है, स्वय द्रव्य स्वय क्षेत्र स्वय काल और स्वय भाव के अधीन है। और वह कैसा है कि भव रहित होने से आत्मा के अतिंद्रिय आनंद के अधीन है, इसलिए हमारी दृष्टि में तो गुरुदेव श्री ने संथारा ही किया है। ए हुंडा सर्पणी का दोष कहो कि ऐसे पवित्र पुरुष को ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल गया, उस सब का दोष हमारे सिर माथे है। बाकी पूज्य गुरुदेव श्री पवित्र थे हैं और रहेंगे। ओम नमः सिद्धि। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो का लो, सुवाणी मस्तक न हो, सदा देत हो दो।